हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद। आपके चैनल भैया जी टेक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके वीवो V20 में जो अपडेट आया है उस अपडेट के बारे में कि क्या इसकी साइज है, क्या इसका वर्जन है और क्या कुछ इस अपडेट में आपको देखने को मिल रहा है। हाँ दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट करके ये पूछते हैं कि आपके वीवो V20 में ओरिजिन OS मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा दोस्तों। हाँ, चैनल पे नए तो प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या अपडेट आया हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके वीवो V20 में ओरिजिन OS मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि आपका जो वीवो V20 है वो वीवो का पहला ऐसा फोन था जो इंडिया में एंड्रॉइड 11 पे लॉन्च किया गया था। और इसके साथ मैं बता दूं दोस्तों कि अभी जब ओरिजिन OS लॉन्च हुआ था तो उसके साथ ये भी रूमर आई थी कि ये सबसे पहले उन डिवाइसेस को मिलेगा जिनमें एंड्रॉइड 11 रन करेगा। तो मैं बता दूं, डेफिनेटली ये कंफर्म है दोस्तों कि आपके वीवो V20 में जब भी ओरिजिन OS लॉन्च होगा इंडिया में तो सबसे पहले देखने को मिलेगा आपके वीवो V20 में, जहां तक ये उम्मीद है। हाँ, अब ये अभी कंफर्म नहीं है दोस्तों कि ओरिजिन OS इंडिया में कब तक लॉन्च होगा, मगर ये डेफिनेटली है कि जब भी इंडिया में लॉन्च होगा तो आपके वीवो V20 में अपडेट ओरिजिन OS का जरूर देखने को मिलेगा। अब देखते हैं दोस्तों कि क्या अपडेट आया है। तो दोस्तों, इस अपडेट का इन्फॉर्मेशन ये राहुल जी है, इन्होंने इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर किया था। इनके वीवो V20 में ये अपडेट आया हुआ है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करें क्या कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर किया है, तो इन्होंने दो स्क्रीनशॉट शेयर किया है। एक तो है ये अपडेट वाला, आप देख सकते हैं जो वीवो V20 है उसका ओल्ड वर्जन है 1.11.25 और जो अपडेट आया हुआ है दोस्तों उसका वर्जन है 1.17.8। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस तरह का अपडेट जो है वो बहुत सारे वीवो के सीरीज में देखने को मिले हैं आज के समय में। और इसकी साइज की बात करें दोस्तों तो काफी बड़ी साइज है, 253 MB के आसपास की साइज है। और इसमें क्या कुछ देखने को मिला है, तो बहुत कुछ ज्यादा आपको इसमें देखने को नहीं मिला है सिवाय सिक्योरिटी पैच अपडेट के। तो सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपडेट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच टू इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी और इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी। तो दोस्तों, जो कुछ पहले एंड्रॉइड 11 में यहाँ पे बग्स मिल रहे तो उसको इसमें फिक्स किया गया है और सिक्योरिटी पैच को अपडेट किया गया है। और बात करें दोस्तों कि इस अपडेट के बाद सिक्योरिटी पैच क्या है आपका, तो मैं उसको भी उन्होंने स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर किया है और उन्होंने कहा था कि कुछ ज्यादा चेंजेस मिला नहीं है। और बात करें दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी पैच, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नवंबर का सिक्योरिटी पैच मिला है, तो काफी अच्छी बात है कि आपके वीवो V20 में लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच यानी नवंबर का सिक्योरिटी पैच मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं बता दूं जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगा ओरिजिन OS के अपडेट को लेके आपके वीवो V20 में, तो उसका इन्फॉर्मेशन जरूर इस चैनल पर मिलेगा। इसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। धन्यवाद।